बहुत सुंदर ये फिल्म है, रघुनाथ फिल्म आ रही है। यूँ तो जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा मैं देख नहीं पाता हूँ फिल्म को, चूँकि जो अश्लीलता का जो एक माहौल बना हुआ है तो थोड़ा सा डर लगता रहता है। लेकिन इस फिल्म की कहानी और कथा सुन के और गीत इसका जब मेरे कानों में आया तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक मिश्रा जी, ज्ञानेश मिश्रा जी, चरित किशोर जी इसमें बहुत सुंदर अभिनय किए हैं, गौरव झा जी और रितु सिंह जी, और इसके निर्देशक हैं दीपक सिंह साहब, और इसके जो राइटर हैं फिल्म के, चूँकि मेन तो वही हैं, उर्मय सिंह राठौर साहब, बहुत सुंदर उन्होंने काम किया है, बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है। और इस फिल्म के गीत और संगीत जो है हमारे मशहूर मेरे प्रिय श्री संतोष पुरी जी ने इसको किया है। और इसमें जैसा मैंने कहा कि आज मैंने इस फिल्म के गाने गाए जिसके भाव हैं, राम जी अयोध्या पधार रहे हैं तो उसके भाव हैं, उसकी खुशी है। रघुनाथ फिल्म है, आप सबसे आग्रह है कि आप सब ज़रूर देखें। उस इस दौर में भी बहुत अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, जिसमें से ये रघुनाथ फिल्म एक छाप छोड़ेगी और एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप सब ज़रूर जाएं, ज़रूर देखें, सुने और अपना हीरो आशीर्वाद दें, पूरे परिवार के साथ देखें, कहीं भी देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। बहुत मज़ा आया मुझे गाना रिकॉर्ड करके, और आप लोग आए तो और अच्छा लगा। सर बैनर के बारे में थोड़ा सा डायग्राम जरा बता दीजिए। जी बैनर है CSSA फिल्म इंटरटेनमेंट, और अपने डायरेक्टर हैं दीपक सिंह जी, और प्रोड्यूसर हैं अभिषेक मिश्रा, ज्ञानेश मिश्रा और चरित किशोर जी। देखा आप बहुत अच्छे से ताल मिला रहे थे, गाना भी गाए थे, कोई आपका पसंद वाला कोई एक गाना मिला? जी मेरा बहुत सारा गाना हिट हुआ है, जो निरहुआ रिक्शा वाला से लेके दिनेश जी की पहली फिल्म से लेके पवन सिंह का पहला फिल्म, बहुत सारा गाना है। लागल आके करजवा में नैना के बान चला दी हलू, इस गाने के बारे में बताऊंगा कि ये उदित जी ने अपनी आवाज़ दी है। अच्छा। हाँ, लागल आके करजवा में नैना के बान चला दी हलू, सीधा साधा किसना के प्रेम के रोग लगा दी हलू, हो मनवा लागे अब तो हरे गाँव में हमके ना। रिकॉर्ड किया गया ये, हमारी बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिसके राइटर हैं उर्मय सिंह राठौर जी और डायरेक्टर हैं दीपक सिंह जी, जो बहुत अच्छे उभरते हुए डायरेक्टर हैं। हालांकि उनको नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग उन्हें अभी धीरे धीरे पहचानेंगे, जैसे उनकी फिल्म आएगा उनकी कीमत आसमान छुएगी, इतने काबिल डायरेक्टर हैं। और उन्होंने गीत संगीत के लिए मुझे सेलेक्ट किया, मुझे चुना, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, इस लायक समझा उन्होंने। हमारे प्रोड्यूसर ज्ञानेश मिश्रा जी, हाँ, चरित किशोर जी और अभिषेक के बदले में हम लोगों ने सेंसुअस रोमांटिक रखा है। और ये ज़रूरी नहीं कि आइटम सॉन्ग ही ज़रूरी हो, हमारा उस जॉनर का फिल्म भी नहीं है, और हमारा थॉट कुछ अलग है इस फिल्म का। रघुनाथ फिल्म का नाम है तो आप समझ सकते हैं, रघुनाथ मतलब श्री रामचंद्र, ठीक है। तो इसमें बहुत संभल के हम लोग को गाना रखना था, और ऐसा गाना रखना था कि कमर्शियल भी हो और उस भाव को छुए भी, तो बहुत बारीकी से बहुत दिल से काम किया गया है जी। ओके okay.